Let's start question number 12 of exercise 1B. What number should be subtracted from 7 upon minus 8 to get minus upon 13 upon 12? तो बच्चों हम पहले क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. देन अब क्या दिया, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम वाला नंबर हम यहाँ ले लेंगे 7 अपॉन माइनस 8. तो क्या नंबर माइनस करें, हमने कौन सा नंबर लिया, रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 अपॉन माइनस 8, देन वी गेट माइनस 13 अपॉन 12. तो आपने 7 अपॉन 8 में से x को माइनस करने वाला, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 13 अपॉन 12. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्लियर, माइनस x यहीं रहेगा, माइनस 13 अपॉन 12 इन सेम प्लेस, 7 अपॉन माइनस 8 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड. ये किसका है, नेगेटिव है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 7 अपॉन 8. Now solve them. We take its LCM. 24, its LCM because 24 is multiple of 12 and multiple of 8. 12 2s are 24. 13 2s are 26. Minus 26. Plus 8 3s are 24. 3 7s are 21. Now minus plus minus. यहाँ पर लिखेंगे minus x is equal to. तो माइनस प्लस माइनस, 26 माइनस 21 इज इक्वल टू 5 अपॉन 24. हियर 26 इज ग्रेटर देन 21 एंड इट इज़ नेगेटिव, सो आर आंसर इज नेगेटिव. नाउ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 24, माइनस कट बाय माइनस, वी राइट हियर एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 24 इट्स आंसर. तो अब आप इसमें आंसर पूरा लिखेंगे, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वी राइट हियर 5 upon 24 should be subtracted from 7 upon minus 8 to get minus 13 upon 12. It is its answer. Clear everyone? Now क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 टू गेट 1 अपॉन 2. सेम, लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एक्स. देन 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5, क्या इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक्स, देन वी गेट 1 अपॉन 2. तो वी सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5, देन वी गेट 1 अपॉन 2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट एड देम एंड सॉल्व देम. तो व्हाट इज द एलसीएम, 60 इट्स एलसीएम. 4 15 जा 60, 15 3 जा 45, 3 20 जा 60, 21 जा 20, 5 12 जा 60, 12 2 जा 24, माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. नाउ एड देम, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 24 89, 89 अपॉन 60 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. नाउ 89 अपॉन 60 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, माइनस 89 अपॉन 60, माइनस एक्स इज इक्वल टू, वी टेक एलसीएम, 60 इट्स एलसीएम, 2 30 जा 31 जा 30, 61 जा माइनस 89 इज इक्वल टू 89 माइनस 30 कितना होगा, 59. But 89 is greater than 30 and it is negative, so we put minus sign upon 60. Minus x is equal to minus 59 upon 60. Minus cut by minus, so x is equal to 59 upon 60. Now write the answer. What should be subtracted? We write here 59 upon 60 should be subtracted
from 3/4 plus 1/3 plus 2/5 to get 1/2. Now your exercise have completed. Multiple choice question. Question number 14 and 15. Question number 14, 15 in your homework. Okay? Everyone do the question number 14 and 15 in your homework. Clear? Now tomorrow on Monday we will start exercise 1C. Clear?